हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम पढ़ेंगे हाउसिंग एंड क्लोदिंग के बारे में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हाउसेस अ गुड हाउस अ क्लीन हाउस क्लोदिंग नेचुरल फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स वी हैव रेड दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श वेदर एंड देयर एनिमीज लाइक देम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन द प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड देयर हाउसेस बच्चों अभी हमने पढ़ा कि पक्षी जानवर भी शेल्टर में रहते हैं उनका भी अपना घर होता है उसी तरह से ह्यूमन बींग भी जहाँ रहते हैं उसको घर या मकान कहते हैं हाउसेज हैव यू सीन स्ट्रीट डे लिव अ हार्ड लाइफ बिकॉज दे डो नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन हाउसेज आर प्लेसेज वेयर वी लीव दीज आर आर होम्स वी लिव विद आर फैमिलीज इन आर हाउसेज आर हाउसेज की सेफ फ्राम हार्मे प्रोटेक्टर्स फ्राम बैड वेदर कंडीशन थीव्स एंड एनिमल्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स सम ऑफ मर्ड विमेंट समनो एंड सो ऑन बच्चों कुछ ऐसे लोग होते जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता उनकी लाइफ बेहद टफ होती है और कुछ लोग घर में रहते हैं ताकि वो अपने आप को बैड वेदर कंडीशन से चोर से और जंगली जानवरों से बचा सकें घर भी बहुत तरीक़े के होते हैं कुछ घर होते हैं जो कि ब्रिक्स या ईटे पत्थर से बने होते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि मड और स्लोपिंग रूप से बने होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो स्लोपी होती हैं और वो मिट्टी या फिर स्ट्रॉक से बने हुए होते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जो सीमेंट से बनते हैं और कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो कि बर्फ से बने हुए होते हैं अ गुड हाउस अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स अ वेल लिट हाउस बच्चों अच्छे घर की क्वालिटी क्या क्या होती है आइए समझते हैं अ वेल लिट हाउस मीन्स अ गुड हाउस शुड हैव सफिशेंट नंबर ऑफ विंडोज एंड डोर्स सो दैट सनलाइट रीचेस इनसाइड द हाउस सनलाइट कीप्स द हाउस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स सनलाइट इज अ नेचुरल डिस इन्फेक्टेंट बच्चों जो अच्छा घर होता है उसमें सफिशेंट खिड़की या दरवाजे होने चाहिए और इसमें प्रॉपर सूरज की किरणें आनी चाहिए जो कि हमें जर्म्स और तरह तरह के कीटाणु से बचाता है एंड एयरी हाउस अ हाउस शुड हैव एम्पल सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर थ्रू विंडोज एंड वेंटिलेटर्स दिस हेल्पस अस टू ब्रीद वेल अ हाउस शुड ऑल्सो है ओपन स्पेसिस सच एज वरेंडाज कोटियार्डस एंड बालकनीज वेल वी कैन गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सन लाइट जो दूसरी खासियत है अच्छे घर की वह है एयरी हाउस घर में खूब सारी हवा आनी चाहिए रोशनी के साथ साथ हवा का भी आना जरूरी है जिससे कि हम ठीक तरह से सांस ले सकें अ नीट एंड क्लीन हाउस अ गुड हाउस शुड हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर स्लीपिंग वॉशिंग कुकिंग ईटिंग स्टोरेज स्टडिंग एंड मीटिंग पीपल दिस हेल्प्स टू कीप द हाउस ऑर्गेनाइज एंड नीट द हाउस शुड ऑल्सो हैव डबल डोर्स दैट इज अ वुडन डोर एंड अ डोर विथ Wire knitting. Windows should also have wire mesh in order to keep the flies and mosquitoes away. There should be a proper drainage system to carry away dirty water. The drains should be covered properly. This is how we can keep our house away from pets. We can also have green plants around our house. Plants give us fresh air. Bachcho, hamara ghar saaf sutra hona chahiye. सोने के लिए नहाने के लिए खाना बनाने के लिए और लोगों से मिलने के लिए और पढ़ने के लिए हर कमरे होने चाहिए स्पेसेस अलग अलग होनी चाहिए इससे हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और घरों में डबल डोर होना चाहिए एक तो लकड़ी का दरवाज़ा और दूसरा जाली का दरवाज़ा जो कि हमें कीड़े मकोड़ों से मच्छरों से मक्खियों से बचाते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि आपके घर का निकला हुआ गंदा पानी सही तरीके से बाहर को निकल सके अलीन हाउस एवरी हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी हेयर आर सम टिप्स डेट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्लीनिंग द हाउस गार्बेज शुड बी थ्रोन इन टू द डस्टबिन और गार्बेज बीन ऑल द थिंग्स इन द हाउस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वॉश बाथरूम्स शुड बी लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं कुछ क्लीनिंग के टिप्स हैं उसको फॉलो करने से आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालें हमेशा अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके और समेट करके ही रखें अपने घर के बाथरूम और वॉश बेसिन को हमेशा डिसइंफेक्टेंट से ही साफ रखें ताकि वो कीटाणुओं को मारने में आपकी मदद करे जमीन पर यानी कि फ्लोर पर रेगुलरली आप झाड़ू पोछा करते रहें जिससे कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा और कीटाणुओं से आप बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे क्लोदिंग क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स बच्चों कपड़े जो हैं हमको हमेशा सर्दी गर्मी वर्षा से बचाते हैं और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों से भी बचाते हैं समर्स में यानी गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं और जाड़ों के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं कपड़े यानी कॉटन जो है वो फाइबर से बनते हैं एक्टिविटी टेक अ थ्रेड लुक एट इट केयरफुली यू विल सी दैट इट इज फर्दर मेड फ्रॉम ट्विस्टेड थ्रेड्स अनविंड द ट्विस्ट ऑफ द थ्रेड यू विल फाइंड दैट इट इज मेड फ्रॉम मेनी थिन फाइबर्स बच्चों इस एक्टिविटी को आप खुद प्रैक्टिस करें डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स वी गेट सम फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फ्रॉम एनिमल्स लेट इस लर्न अबाउट दम बच्चों जो फाइबर होते हैं कुछ फाइबर प्लांट्स से बनते हैं और कुछ फाइबर एनिमल से भी बनते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में नेचुरल फाइबर्स फाइबर फ्राम प्लांट्स कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्राम कॉटन फाइबर्स वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द काटन प्लांट्स बच्चों काटन के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन फाइबर से बनते हैं कॉटन फाइबर हमें कॉटन के पेड़ से मिलते हैं जूट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लोथ्स वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट्स जूट फाइबर जो होते हैं उसकी मदद से हम बैग्स बनाते हैं ये जो है जूट के प्लांट से हमें मिलते हैं फाइबर फ्रॉम एनिमल्स वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर्स वी गेट वुलन फाइबर्स फ्राम एनिमल्स लाइक शिप गोट एंड रैबिट सिल्क क्लोथ्स आर मेड ऑफ सिल्क फाइबर्स वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्राम इंसेक्ट्स कॉल्ड सिल्क वाम्स बच्चों जो हम जाड़े में कपड़े पहनते हैं यानी कि वुलन क्लोथ जिन्हें हम कहते हैं वो वुलन फाइबर से बनते हैं वुलन फाइबर हमें कुछ जानवरों से मिलते हैं जैसे कि भेड़ बकरी और खरगोश सिल्क क्लोथ्स हमें मिलते हैं सिल्क वाम से सिल्क फॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है इंसेक्ट होता है जिससे हम सिल्क फाइबर निकालते हैं इन्फोबेट अंगोरा वुल इज मेड फ्रॉम फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम द रैबिट वेयर एज कैश्मीरी वुल इज मेड फ्रॉम फाइबर्स वी गेट फ्रॉम कैश्मीरी गोट बच्चों अंगोरा वुल जो होता है वो खरगोश से निकलता है वहीं कैश्मीरी वुल हमें कैश्मीरी गोट से प्राप्त होता है मैन मेड फाइबर्स फाइबर्स मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स नाइलॉन टेरिकॉर्ड एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स वो होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा विकसित किए गए हों जैसे कि सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर यानी नाइलॉन टेरिकॉर्ड पॉलिस्टर इसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं टर्म्स टू रिमेंबर जर्म्स वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिजीज जर्म्स यानी कि कीटाणु वो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते पर हमें उनसे बीमारी लग सकती है नेचुरल फाइबर फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम इधर प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें किसी पेड़ पौधे या फिर किसी जानवर से प्राप्त होते हैं मैन मेड फाइबर फाइबर दैट आर मेड बाय मैन वो फाइबर जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम मैन मेड फाइबर कहते हैं फाइबर A material that is used to make clothes. Fiber, this yani material is used to make clothes. Now I know we all need a house to live in. House protects us from heat, cold, rain, wild animals, and thieves. A clean house keeps us healthy and protects us from germs. Clothes protect us from heat, cold, and insects' bites in rains. Man made fiber are मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज बच्चों घर वो होता है जहाँ हम रहते हैं घर हमेशा हमको गर्मी सर्दी बारिश जंगली जानवर और चोरों से बचाता है घरों को हमेशा साफ रखना चाहिए साफ घर हमें स्वस्थ रखते हैं और कीटाणुओं से बचाते हैं कपड़ों से हमें सर्दी गर्मी और कीड़े मकोड़ों से बारिश से बचाव प्राप्त होता है मैनमेड फाइबर वो होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं तो बच्चों आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए